नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर खास खबर। आप इस खबर को ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि यह खबर आपके तथा आपके बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल से वापस लौटते समय या फिर बाजार में घूमते समय आपके बच्चे अचानक किसी रेहड़ी पर या फिर किसी फूड सेंटर पर या तो खाना खाने लगते हैं या फिर फास्ट फूड अक्सर किसी भी शहर या बड़े कस्बे में रेस्टोरेंट और दुकानों की बजाय सड़क पर खड़ी रेहड़ियों की भरमार अधिक होती है। लेकिन बच्चों या बड़ों को पता नहीं होता कि रेहड़ी पर परोसे जा रहे भोजन के स्वास्थ्य मानक मौजूद हैं या नहीं। आपने भी कभी नजर नहीं दौड़ाई होगी कि रेहड़ी या दुकान अथवा रेस्टोरेंट पर आपको परोस रहे कर्मी क्या आपको सही भोजन परोस रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि परोसने वाला कर्मचारी स्वस्थ ही ना हो। हो सकता है कि उसे कोई खुजली की बड़ी बीमारी हो, यह भी हो सकता है कि वह लंबे समय से टीबी का मरीज हो या लगातार लंबी खांसी हो रही हो। सोचिए, ऐसे में यदि वह कर्मचारी अपने हाथ में वह आपका खाना लेकर आ रहा है तो क्या आप स्वस्थ रह पाएंगे। आपको तो यह भी नहीं पता कि कढ़ाई में डाला गया तेल कितने महीने पुराना है। आप सोचिए, जब हम देसी घी को ज्यादा गर्म कर लेते हैं तो उसमें मौजूद सभी पौष्टिक तत्व जहरीले बन जाते हैं। ऐसे में आने वाली 1 मार्च को केंद्र सरकार देश में लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए नया कानून और नियम लेकर आ रही है ताकि आप स्वस्थ रहे। शुद्ध खाना स्वस्थ हरियाणा भी हरियाणा में अब नारा बनने जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार यह बदलाव क्यों कर रही है। फूड रेगुलेटर FSSAI इस आदेश से 2 मकसद पूरा करना चाहती है। पहला, जो ट्रांस फैट की समस्या है जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां होती है, उन पर लगाम लगाने की कोशिश है, क्योंकि जब आप खाने का तेल दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट बनने की ज्यादा संभावना होती है। दूसरी तरफ बायोडीजल मशीन है, भारत है उसको सोर्स मिल सके, जो जरूरी तेल है वो मिल सके, ये भी एक मकसद है इस पूरे आदेश का। और इसके लिए जितने ऐसे बड़े रेस्टोरेंट हैं जो हर दिन में 50 लीटर से ज्यादा कुकिंग ऑयल तेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उन्होंने कहां से एडबिल ऑयल जो सोर्स किया है, कितना इस्तेमाल किया है और कितना डिस्कार्ड किया है और किस एजेंसी को डिस्कार्ड करने के बाद दिया है, ये सारा रिकॉर्ड उसे मेंटेन करना पड़ेगा। सरकारी एजेंसी जो इस तेल को कलेक्ट करेगी वो इसे बाद में बायोडीजल बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके लिए फूड कमीशन को कहा गया है कि आप औचक निरीक्षण कीजिए और देखिए कि जो रेस्टोरेंट में तेल का इस्तेमाल होता है क्या उसे दोबारा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ केंद्र सरकार एक जागरूक कार्यक्रम भी साथ ला रही है। इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत करियाना मिठाई विक्रेता, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ साथ रेडियो पर बेचने वाले दुकानदारों और कर्मचारियों को बकायदा एक ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके तहत भोजन का सामान बनाने वाली सभी औद्योगिक इकाइयां भी शामिल कर ली गई हैं। हरियाणा के सीएम सिटी में तो बकायदा एक जागरूक कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। हरियाणा में इसका जिम्मा कई निजी कंपनियों को बकायदा जिलेवार दिया गया है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं करनाल में लगाए गए एक जागरूक कार्यक्रम में, जहां दुकानदारों और कर्मचारियों को बकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। आपने तस्वीरों में देखा कि कई नामी गिरामी संस्थाओं के चेयरमैन और दुकानदार मौजूद थे। आपको बताना जरूरी है कि करनाल जिले में सरकार का अनुबंध AQMCS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ हुआ है, जिसके संचालन जोगिंदर चहल है, इसके प्रबंधक अरविंद मान है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि कंपनी के साथ आखिर सरकार ने करार क्या किया। कंपनी पर जिम्मा है कि वो फूड से संबंधित सभी संचालकों और ऑपरेटरों को जागरूक करे और उन्हें बकायदा ट्रेनिंग दे ताकि वह स्वस्थ हरियाणा के प्रति जागरूक हो सके। सरकार ट्रेनिंग के बाद बकायदा ना केवल संचालकों को और ऑपरेटरों को सर्टिफिकेट देगी, यह सर्टिफिकेट 2 साल के लिए मान्य होगा। इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनी सभी संचालकों और ऑपरेटरों को पूरी किट भी देगी जो सभी संचालकों और ऑपरेटरों के काम आएगी। इसके लिए कंपनी एक छोटा सा शुल्क वसूलेगी।
यह शुल्क सभी संचालकों और ऑपरेटरों को देना होगा। चलिए आपको ले चलते हैं कंपनी के जिला प्रबंधक अरविंद मान के पास, आइए जानते हैं उनसे आखिर क्या है फूड सेफ्टी का ट्रेनिंग कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज हमारी समाचार एक्सप्रेस की टीम अरविंद मान जी के पास आई है, जो कि हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप फूड सेफ्टी को लेकर आप क्या कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, पहले तो नेहा जी आपका स्वागत। हमारी कंपनी AQ CMS प्राइवेट लिमिटेड को करनाल को हाइजेनिक फूड जोन बनाने के लिए कार्य कर रही है। वो लोगों को जाकर उनकी दुकानों पे, रेडियो पे, उनकी गली मोहल्ले में, किराना स्टोर पे, जो भी लोग फूड से रिलेटेड काम करते हैं, उनको अवेयर करने का काम कर रहे हैं। अभी वो अवेयरनेस हो, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको हम सेक्टर 16 पॉलीक्लिनिक में ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम फूड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के ट्रेनर पार्टनर हैं। तो हम लोगों से उनके आधार कार्ड, उनकी शॉप का नाम, लोगों के घर घर जाके इकट्ठा करते हैं। फिर एक दिन जब वो संख्या 50 लोगों की हो जाती है, तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। सरकार से अप्रूव ट्रेनर आता है, वो उसको ट्रेनिंग दे के जाते हैं। उस ट्रेनिंग में हम उनको एक सेफ्टी किट, गोल्डन रूल और 4 घंटे की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं भी आपने कैसे कैसे हाइजेनिक फूड तैयार करना है, जिससे लोग कम से कम बीमार हो। ये आपकी कंपनी किस तरह से जागरूक कर रही है? वो लोगों को जाकर बताती है। लोगों में देखो, टाइम के अनुसार बदलाव होता है। जब चेंज, कोई भी चेंज आता है, जैसे पहले करनाल में स्वच्छता अभियान आया, स्वच्छता अभियान का एक बार बड़ा लोगों ने ये कहा भी स्वच्छता अभियान ये ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये उसके खिलाफ आलोचना हुई। लेकिन नहीं, आज हमें स्वच्छता अभियान का मायने पता लगता है। हमारा करनाल पूरे हिंदुस्तान में 1st या 2nd नंबर पे रहा स्वच्छता में। तो देखो, जो लोग जागरूक हुए उसने काम किया है। ऐसे ही अब स्वस्थ करनाल के बाद जो हमारी प्रेजेंट सरकार है, वो ये नारा लेके आई है भाई, स्वच्छ करनाल के बाद अब स्वस्थ करनाल का नारा लेके आई है। हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, लोगों को अवेयरनेस का काम कर रही है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है भाई, वो हाइजेनिक फूड तैयार करे जिससे लोग अवेयर हों और कम से कम लोग बीमार पड़े। जैसा कि आपने कहा कि आप किट प्रोवाइड करवा रहे हैं, किट के अलावा भी आप कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं? हाँ, किट में के साथ साथ हम लोग उनको गोल्डन रूल देते हैं भी, उनको कैसे काम करना है अपनी शॉप के अंदर, अपनी कस्टमर को कैसे उन्होंने करना है, कैसे हाइजीनिक फूड देना है, कैसे रिटेल शॉप को कैसे उसको अपनी मेंटेन करना है, कैसे जैसे एक्सपायरी सामान है उसको नहीं बेचना है, इस तरह की उसमें ट्रेनिंग में काफ़ी चीज़ें आती हैं। वो सरकार से ट्रेनर आता है, अप्रूव ट्रेनर है वो। जो सरकारी नियम बनाए गए हैं, क्या आप भी उन नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं? हाँ, जो फूड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम लोग करनाल में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वो सरकार के नियम कायदे कानून के तहत हम लोग कर रहे हैं। और उसके ऊपर हमारे जहाँ करनाल में फूड सेफ्टी अधिकारी हैं, ठीक है जी, वो लोग उसको वॉच करते हैं, डेली वो रिपोर्ट भी लेते हैं। जब भी ट्रेनिंग होती है तो उनमें से एक अधिकारी या कोई करनाल का समाज सेवी, तो उनको हम लोग वहाँ बुलाते हैं, उनको भी दिखाते हैं भी देखो करनाल में कैसे अवेयर करना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है जी। तो आपका क्या इसका शुल्क लेते हो कोई, या यह निःशुल्क? हाँ, इसका सरकार से हमारे को एक लेटर मिला हुआ है कमिश्नर फूड से, 600 रुपये प्लस 108 रुपये GST है, टोटल 708 रुपये लेते हैं हम इस सारे काम का। तो उसमें हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लोगों को अवेयर करते हैं जाकर उनकी शॉप्स पे, फिर उनको बताते हैं भी आप ट्रेनिंग लो, जो लोग लेते हैं ट्रेनिंग ले लेते हैं। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, इसको मैंडेटरी कर दिया भी हर लोग, क्यों, हर लोग ये चाहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होएं। और जो ये फूड सेफ्टी प्रोग्राम है, आम आदमी तक, आम दुकानदार तक, जो गली मोहल्ले की लास्ट गली में बैठा है उस तक पहुँचे और करनाल स्वस्थ करनाल बढ़े। अब तक इसमें कितने दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? अब तक इसमें 300 के लोग दुकानदार ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, 50 लोगों के हमारे पास सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं, जल्दी हम 1 या 2 दिन में उनको डिलीवर कर देंगे। आपकी कंपनी के खिलाफ जो भ्रामक प्रयास किया जा रहे हैं, ऐसे क्यों? ऐसा है, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन तो कराना चाहते हैं, वो ये मानते भी हैं ये अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, लेकिन वो कहते हैं हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी। बेसिकली जो आदमी ट्रेनिंग नहीं लेगा तो सरकार उसको सर्टिफिकेट नहीं देगी। हमारा काम जो है वो लोगों को
ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग देने के बाद हम सरकार को उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं साइट पर, उसके बाद उनका सर्टिफिकेट आता है। जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो उनका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग दबाव बनाते हैं, इस तरह का प्रयास करते हैं जिससे सरकार की स्कीम कहीं ना कहीं फेल हो जाए। इसका मेन मोटिव यही लगता है मेरे को। आपने देखा कि प्रबंधक अरविंद मान ने क्या कहा, अब आपको ले चलते हैं करनाल स्थित फूड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर संदीप कादियान के पास, उनसे जानते हैं कि आखिर सरकार की योजना है क्या। आपका स्वागत है। हम सबसे पहला सवाल ये है कि जो फूड सेफ्टी को लेकर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम आई है, ये एक्चुअली में है क्या, प्लीज एक्सप्लेन मी। एक्चुअली जो गवर्नमेंट की FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है जी, वो फोस्टेक की ट्रेनिंग करवा रहे हैं जी। फोस्टेक की ट्रेनिंग में वो नॉर्मल हाइजीन के लिए बता रहे हैं, हाइजीन के टिप्स दे रहे हैं। फूड हैंडलर्स के लिए ये ट्रेनिंग है, जो फूड जो हैंडल करते हैं उनके लिए, उनको उसके बारे में हम पूरी ट्रेंड करते हैं कि फूड को कैसे हैंडल करें, कैप डालना है, मास्क डालना है, ग्लव्स का यूज़ करना है। तो उनके सुपरवाइजर्स भी आए, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छी बात है कि वो कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ तो नहीं उसको है जो फूड को हैंडल कर रहा है, तो उसके बारे में ये ट्रेनिंग दे रही है। हमारे यहाँ करनाल में बैचेज चल रहे हैं, तो तकरीबन हमने 300 बंदों को ट्रेंड भी किया है इसमें। तो फूड का मतलब ये भोजन के अलावा जैसे जो जैसे जूस है, फ्रूट है, फ्रूट कटिंग होती है, जैसे फ्रूट भी बिकते हैं दुकानों पर, ये भी सब इस दायरे में आएंगे। यस बिल्कुल, फूड तो फूड है सर। अच्छा बिल्कुल ठीक है ना, पेट में जाएगा, जो पेट में जाएगा फूड है वो जी। हाँ सर, जो फूड जो भी मतलब हम खा रहे हैं फूड है हमारे लिए, चाहे वो जूस है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो जो भी खाते हैं, चाट टिक्की कुछ भी है। हाँ हाँ फूड है सब ठीक। अच्छा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम आई है, इसके लिए क्या लोगों को अवेयरनेस करने के लिए स्कीम है, या आप जो सर्व कर रहे हैं कस्टमर जब दुकान पे आते हैं, जो सर्व करते हैं, जो लड़के सर्व करते हैं सर्वेंट, ये उनको जागरूक करने की बात है। देखो सर, जागरूक तो हर एक किसी को होना चाहिए। आप फूड ले रहे हैं, आप भी जागरूक होने चाहिए। फूड तो मतलब हर फूड का मैटर मतलब क्या है कि पूरा सबका पूरी पॉपुलेशन को फूड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी हाइजीन मेंटेन रहेगी तो उसका फ़ायदा तो सबको मिलेगा, पॉपुलेशन को ही मिलेगा। लेकिन हम ट्रेनिंग जो दे रहे हैं अभी फूड हैंडलर्स को दे रहे हैं, जो फूड को हैंडल कर रहे हैं लोग, वो कैप डालें, मास्क डालें, उसकी वो ट्रेनिंग लेके तब वो अपना फूड को हैंडल करें। इसके लिए काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग जिलों में अलग अलग कंपनियों को दिए। यस यस, कुछ कंपनियां उन्होंने हायर किए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग इनके मास्टर ट्रेनर्स हैं जी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लाइसेंस भी इशू होंगे। हाँ, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मास्टर ट्रेनर्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जिनको ठेका दिया गया, जिन कंपनियों को 600-700 की जो पर्ची करते हैं, इसके बदले वो क्या अवेलेबल करवाते हैं? एक तो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग तो है ही है। ठीक है, और उसके अलावा वो किट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, किट में क्या है? किट में वो एक्चुअली वो उनकी पूरी किट है, वो पूरी डिटेल वो आपस में आपको बता देंगे उनसे अगर बात करोगे तो, उसमें मास्क, कैप और ये ग्लव्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें। ये सारा लीगल होगा, लीगल प्रोसेस है? हाँ बिल्कुल, जो गवर्नमेंट FSSAI ने जो उनको मास्टर ट्रेनर को देके भेजा है पूरा, वो पूरा वो है। अच्छा डॉक्टर साहब, फूड जो है आप अपने कनाल में देख लीजिए कि दुकानें तो हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जहाँ फूड बिकता है, लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मीडियम तबके का जो फूड खाने वाला आदमी बाहर जो उसको यूज़ करता है, वो ज़्यादातर फूड आपने देखा होगा करनाल में रेडियो पे, रेडियो में 3-4 लोग इकट्ठे काम करते हैं, जैसे अंडे की रेडियो होगी, फ्रूट चाट हो गया, टिक्की चाट, अलग अलग किस्म के फूड ये बिकते हैं। ये खाली दुकानदारों को ट्रेन करने की नहीं बात है, इनको रेडी चला रहे हैं उनको भी ट्रेन करने, ऐसी बात नहीं है सर कि ट्रेनिंग सबके लिए है। ट्रेनिंग तो मतलब फूड जो हैंडल करते हैं घर में वो भी ट्रेन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल हम फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो फूड हैंडल कर रहा है हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें अगर रेडी वाला भी है तो उसको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो भी फूड हैंडल अगर करे, अगर कोई रेडी वाला ग्लव्स डाल के और मास्क डाल के, आपको कितना अच्छा लगेगा कोई अगर आपको कोई ऐसे सेफ्टी से देगा, फूड प्रोवाइड कराएगा, तो आपकी हाइजीन उसमें अच्छी रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो मैं ये पूछ रहा था,
कि जैसे अब मान लो कि दो दुकानदार हैं, एक आपसे ट्रेनिंग ले रहा है, दूसरा मना कर रहा है कि मैं नहीं लूंगा, तो उस पे क्या रिएक्शन रहेगा गवर्नमेंट का? नहीं, हम उसको पूरी तरह से मोटिवेट करेंगे सर, मोटिवेट करेंगे, ट्रेनिंग लो जी, ट्रेनिंग लो, उसको दिस इज द मस्ट, लेनी चाहिए सर, लेनी चाहिए ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एक्चुअली ट्रेनिंग लेना अच्छी बात है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं गवर्नमेंट के, कहीं तो लोग जैसे हम स्टडी करते हैं सर, स्टडी करते हैं कोई डिप्लोमा डिग्री लेके उसके बाद काम शुरू करते हैं, ये भी एक तरह से ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग लेके अगर कोई बंदा काम करे और कोई अनट्रेंड काम करे तो दोनों की वर्किंग में फर्क तो होगा। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लगता कि ये जो काम अब जो गवर्नमेंट ने शुरू किया सब कई साल पहले कर देना? बिल्कुल बिल्कुल सर, कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अब शुरू कर दिया है, गवर्नमेंट ने अच्छा ही किया है कि ट्रेनिंग हो रही है, तो मतलब ट्रेन बंदा फूड को हैंडल करेगा, एक अनट्रेन से तो ज्यादा बेटर ही है। अच्छा, ये ट्रेनिंग के अलावा, इसके अलावा जैसे आप बता रहे थे कि जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, वो कहाँ कहाँ कैसे चलाया जा रहा है? सर ऐसा है कि हम उसमें ही ट्रेनिंग में भी जाके लेक्चर देते हैं, और जहाँ पे भी हमें मिलता है बैच बना लेते हैं, उसके बारे में लेक्चर देते हैं। ये करवाती कंपनी? नहीं, फिर उसके लिए तो कंपनी तो सिर्फ ट्रेनिंग करा रही है फिलहाल। अच्छा, जागरूकता अभियान के लिए हम जैसे किसी को, जैसे अभी हमेशा चलता है, किसी को चीफ गेस्ट बुला लेते हैं, पब्लिक को इनवाइट करते हैं, जितने लोग हमारे पास आते हैं उनको फूड हैंडलिंग के टिप्स दे देते हैं जी। तो ये कब तक चलेगा ये जागरूकता और ट्रेनिंग अभियान? अभी अभी हमने बैचेज शुरू किए हैं, इस महीने में हमारे बैचेज चल रहे हैं, तो देखते हैं जितने हमारे पास मैक्सिमम जितना रिस्पॉन्स आएगा, जब तक आता रहेगा हम चलाएंगे इसको, और जितनी जल्दी हो सकेगा जितने मैक्सिमम को हम ट्रेन कर सकेंगे हम करेंगे। डॉक्टर साहब, ये अभियान पूरे जिले में चलेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपके पास कोई ऐसी लिस्ट भी है जिसमें आपके पास है कि इतने फूड सेंटर हैं, इतने रेडी हैं, कुछ है अंदाजा इसका? इसका हमारे पास जो डाटा है वो डाटा देख के पता चल जाएगा। नियर अबाउट कितना है? नेचुरली हमारे पास जो फूड हैंडलर्स है, कुछ रजिस्ट्रेशन कराते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग लाइसेंस लेते हैं, उनका तो है ही हमारा, हमारे पास है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप कह रहे हो कि जो सर्व करेंगे उनको ट्रेन करेंगे, अच्छा लगता है कि जैसे कैप हो सिर पे, बाल ना गिरे कहीं, और हाथ जो है अगर साफ सुथरे भी हैं, साबुन से धोए हैं, यस यस, तो उसके ऊपर ग्लव्स है, अच्छा लगता है कि अच्छी तरह से सर्विस हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सवाल एक और भी पैदा होता है, जैसे जब फूड बनता है, ये तो आप सर्व वाली बात आ गई, तो उसका क्या क्राइटेरिया है जो फूड बना रहा है, उसमें भी है कोई मानक? हाँ, उसमें सर जैसे सपोज करो जो फूड हैंडल कर रहा है बंदा, उसमें उसको कम्युनिकेबल डिसीज तो नहीं होनी चाहिए, कम से कम कोई स्किन डिसीज ना हो। कम्युनिकेबल डिसीज में हमारी ये आ गई जो मतलब एक दूसरे से लग जाती है, वाटर कैपल इन्फेक्शन वगैरह हैं, और जो उसको स्किन डिसीज ना हो, कोई स्किन से कोई उसमें ना गिरे, तो इस तरह का बंदा अगर फूड को प्रिपेयर कर रहा है तो प्रोबेबली मेडिकली फिट होना चाहिए उसको, अब उसको तो अवॉइड ही करना चाहिए, उसको एज अ फूड मेकर भी नहीं लेना चाहिए हमें, तो उसके नॉर्म्स के हिसाब से देख के वो मेडिकली फिट हो जो फूड बनाए, तो उसको लें तो ज़्यादा बेटर है इसके बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे फूड सर्विस से पहले जो फूड तैयार होता है, जैसे आपने कई बार देखा एक कढ़ाई में एक तेल डाल देते हैं जिसमें कई बार समोसे तले जाते हैं, टिक्की में तेल का यूज होता है, सरसों है या रिफाइंड है, उसको बार बार सड़ा देते हैं, उसको बार बार जलता रहता है, और वो भी सेहत के लिए खतरा, इस पे फूड विभाग की किस तरह की? हमारे इसके लिए भी प्रोग्राम है सर, ल्यूको बोल रहे हैं हम उसको, तो उसमें हमने लिस्ट तैयार की है कि किन किन लोगों की बिल्कुल एक्सेस में यूज़ हो रही है, बाकी जो दोबारा है वो रीयूज नहीं होना चाहिए, वो कार्सिनोजेनिक भी है, हम उसके बारे में भी अवेयरनेस बता रहे हैं कि जो तेल है जिसको यूज़ कर रहे हैं समोसा तलने के लिए, इसके लिए वो रीयूज ना करें, कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, और घरों में भी बल्कि ना यूज़ हो तो ज़्यादा बेटर है, उसको एक बार यूज़ करें और ज़्यादा वो ठीक रहेगा। इसमें जब सब कोई विभाग छापे भी लगाता है, कोई पकड़ता है, कोई चालान वगैरह, इसमें क्या सिस्टम है? हाँ, हम उसको डिस्कार्ड भी करते हैं जो हमें मिले, जो मिठाई मिले हमें ठीक नहीं मिल रही है कंडीशन, उसको डिस्कार्ड करते हैं, तेल ऐसा हमें अगर मिलता है तो तेल को भी हम डिस्कार्ड भी करते हैं। तो दिवाली में भी आपने नियर छापे? एक्चुअली सर मैं यहाँ पे अभी दो दिन से मैंने ज्वाइन किया है, दिवाली पे मैं यहाँ पे नहीं था जी। तो अब आप प्लान बनाएंगे, चेकिंग का प्लान बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चेकिंग करेंगे सर। तो आपका ये किराना स्टोर भी आपके दायरे में आएगा? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, चेकिंग करेंगे। तो ये जो आप जो ट्रेनिंग की, फूड सप्लाई की जो ट्रेनिंग की बात हो, ये कितने लंबे समय तक चलने वाली डॉक्टर साहब? हमें जब तक रिस्पांस अच्छा मिलता रहेगा हम ट्रेन कराएंगे सर। ठीक है। हाँ। और इसके बाद अगर जो रिस्पांस नहीं देता उसके खिलाफ फिर बाद हम देखेंगे कि कोई बिल्कुल बिल्कुल अनहाइजीनिक तरीके से चल रहा है और ट्रेंड भी नहीं है तो हम एक्शन भी लेंगे सर। यानी कि ट्रेनिंग मस्ट है। हाँ, ट्रेनिंग लेनी चाहिए सर, ट्रेनिंग। हाँ।
ट्रेन बंदा ही फूड हैंडल करे तो ज्यादा बेटर है, हमारे लिए भी बेटर है, बल्कि वो जो हैंडल कर रहा है उसके लिए भी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर संदीप कादियान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपने अधिकारी को सुन लिया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यह ट्रेनिंग कार्यक्रम प्राइवेट कंपनी सभी संचालकों को और ऑपरेटरों के लिए क्यों अहम है। शुद्ध खाना स्वस्थ हरियाणा का यह नारा हर जिले में गूंज रहा है। जब भोजन निर्माता और परोसने वाले तथा बेचने वाले दुकानदारों तथा रेहड़ी संचालकों तथा होटल और रेस्टोरेंट के संचालकों के पास जब सरकार का सर्टिफिकेट आ जाएगा और जब उनके कर्मचारी ट्रेनिंग लेकर तथा किट का इस्तेमाल करते हुए आपको भोजन परोसेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप स्वस्थ खाना खा रहे हैं। आपको यदि इसमें कोई भ्रमित कर रहा है या फिर गुमराह कर रहा है तो आप बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि यह योजना सीधे आपके और आपके बच्चों के स्वस्थ जीवन से जुड़ी है, क्योंकि जब आप शुद्ध खाना खाएंगे तभी तो हरियाणा स्वस्थ बन पाएगा। अभी सरकार की यह शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में ट्रेनिंग ना लेने वाले और सरकार का सर्टिफिकेट हासिल ना करने वाले होटल रेस्टोरेंट दुकानदार तथा रेहड़ी संचालक के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।